हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो हम सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ बजे हैं सुबह के 8:30। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अपनी जा चुकी है स्कूल और मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया। बस सिर्फ मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, बाकी और कोई काम नहीं करना। कायरव खेल रहा है, झाड़ू पोछा सब मैंने बहुत सुबह कर लिया, क्योंकि अवनी की गाड़ी का जो है ना टाइम चेंज हो गया। अवनी की गाड़ी आने लगी है 6:50 पे, तो पर उससे पहले ही तैयार करना होता है, क्योंकि 50 का टाइम है तो वो उसमें 20 में भी आ सकती है, वो 30 या 40 में कभी भी आ सकती है। पर बोल रहा है कि इतना है और उससे पहले ही रेडी रखना है। 5:30 बजे उठी थी, सारा काम फिनिश करा, उसको तैयार करा, नाश्ता वगैरह करा। मौसम 3-4 दिन से इतना ख़राब है, बार बार बारिश आने लगती है, कपड़े सूख के नहीं दे रहे। और अभी कुछ यहाँ डाल रखे, कुछ तय बना के पीछे ही रख दिए, कुछ प्रेस के रखे हुए हैं, ये नहीं ख़त्म होता काम ही। घर के घर में पता है ना, आदमी चला जाता है पर उसके साथ, जब तक वो जीता है उसके साथ काम लगे रहते हैं। जैसे वो जाता है सारे काम चले जाते हैं, वो मैटर है। नेल पेंट भी उतर गई सारी, दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। और जैसे बता रहे मौसम ख़राब, और सुबह भी बारिश होने लगी थी, फिर थोड़ा सा गर्म पानी करके तब उसको नहाया। ऑलरेडी ठंड बता रही थी, इतनी सुबह सुबह ठंडे पानी में भी कैसे नहाती। मैं थक गई इतनी सुबह उठ के, आज तो कुछ मन सा भी नहीं कर रहा काम करने को। मौसम ऐसा ना कुछ काम ही पा रहा है इस मौसम में इतना ज़्यादा। पर सिलाई वगैरह का कर ले बैठ के, अच्छा है। हाँ यार, काम तो करना है, मैं तो भूल ही गई थी। और जैसे नवरात्रे आने वाले हैं तो उसके लिए सांझी जो है लेनी पड़ेगी, या जो भी कुछ करेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मार्केट जाने की मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ना कानों के इयररिंग्स जानबूझ के चेंज किया, मेरा मन कर रहा था कभी कभी कि मैं कुछ अलग से डाल लूँ। और इतने ज़्यादा भारी नहीं है ये, देखने में लगता है कि पता नहीं कितना बोझ होगा, भारी नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। मैंने वे वाले निकाल के एक्सचेंज करने शुरू कर दिए है ना। मैं ये बता रही थी वीडियो में भी बताया कि मुंह पे फिल्टर लगाती हो या कुछ वैसा लगाते हो, मैं सिर्फ एक क्रीम यूज कर रही हूँ। और बाकी अब आज मैं बिल्कुल सिंपल हो आप लोगों के सामने, मैंने कोई आई लाइनर मस्कारा वगैरह कुछ नहीं लगा रखा। थोड़ा सा ना आँखों के ऊपर लगाई थी हल्की हल्की से, देखो बहुत हल्की हल्की लगाई है, और कुछ भी मैंने नहीं लगाया। मांग में सिंदूर और सिंदूर की ही बिंदी है लिपस्टिक। ज़्यादा लगाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि अच्छी नहीं लगती, कोई बोलता है अच्छा लगता है, तो कभी कर लिया कभी ना करा, ऐसे ही ठीक है। काफ़ी लंबी बात आप लोगों से मैंने कर ली। आयरव की मस्ती चल रही है, थोड़ी देर में मिलते हैं गोपाल जी भी, नहा लिए, मिला देते हैं गोपाल जी से। आज मैं और मेरे गोपाल दोनों ही रेड रेड हो गए हैं, रेड कलर की ड्रेस मैंने गोपाल को बना रखी है, जोत भी हो गई थी मेरी। चलिए बर्तन साफ कर लेते हैं। आलू क्या भाव है? आलू 120 रुपये के, कर दो 1 किलो। 97 चिप्स कोई सही कर दो, मर्जी थारी जो ऐसे ही लगा, स्वाद तो कोई सा खास नहीं लगा। नए आलू नहीं आ रहे अभी हैं, अभी कहाँ जी, अभी तो लगे ही, अभी आओगे दिवाली के बाद तब तो। के बाद मैंने बनाया है हलवा, इसमें किशमिश डाल दिया है ऊपर से एक दो, और एक दो बादाम काट के डाल दिया है। जब बना रही थी तब नहीं मैंने डाला था, ऐसे ही डाल दिया ऊपर से, इनको मिक्स कर लूँगी। और सबसे पहले हम लगाएंगे गोपाल जी को भोग, बार कायरव बैठा है उसको भी देना है खाने के लिए, तो सबसे पहले भोग गोपाल जी के लिए है। और अवनी जा रही है स्कूल में, आप लोगों को मैं ये बात बता ही चुकी हूँ, तो कायरव को बहुत पसंद है सूजी का हलवा, चावल की खीर, ऐसी ऐसी चीज़ें खाता है, और अब इसको खुआ देते हैं। मेरा कारव हल्ला खाएगा, मेरा कारव बेटा हलवा खा रहा, मेरे गोपाल ने खा लिया। लो जी हल्ला, दीदी कहाँ जा रही है? दीदी स्कूल जा रही है। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो ये मैंने घी ताया था एक दिन पहले, देखा था गर्म करा था, उसके बाद फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के बाद। अब इसको है ना बीच में एक छेद बना के सारी छाए निकाल लिया है, उसके बाद में बस थोड़ा सा पकाना होता है, झटपट से मतलब हमारा घी गर्म हो जाता है, और इतना आसान तरीका है, ज़्यादा घी भी नहीं फूकता इसमें और बहुत आसानी से बन जाता है। तो अभी मैं इसको है ना इसमें डिब्बे में छान के रख रही थी, ठंडा हो चुका था, जो इसमें थोड़ा बहुत अगर लग भी रहा है तो उसे पानी भर के रख दूँगी, जो थोड़ा बहुत साइडों में है वो सारा पानी पे ऊपर उतर आएगा। और अभी यहाँ पर मैं ना मट्टी फोड़ रही हूँ, कायरव भी मेरे साथ लग रहा था, लाओ मम्मी मैं भी फोड़ता हूँ, इसको फोड़ना है, बड़ा सुंदर बोलता है, बड़ी अच्छी भाषा लगती है, और सारी को बारीक कर लूँगी पहले। यहाँ पर मैं ले रही थी ये चिकनी मिट्टी, जी हाँ चिकनी मिट्टी है, ये भी थोड़ी सी मिली है कहीं से,
और कुछ बनाने वाले हैं आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अभी नवरात्रे शुरू हो जाएंगे श्राद्ध के दिनों के बाद में, तो अब की बार कुछ नया सोच रहे हैं, देखते हैं जो भी होगा। हम कभी नहीं किया, अब करने की कोशिश। एक लालसा मन में, एक इच्छा, पता नहीं क्या चीज़ें होती जा रही है। कभी पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले जब हम अपने घर थे, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो हम लोग ये काम करते थे। कभी कोई मतलब मॉल का, तो मॉल की तो बहुत कम लोग लेते थे, ज़्यादातर ना सब घर पे ही बनाते थे। और अब मट्टी मिलनी बंद हो गई है, तो सब मॉल की खरीद लेते हैं। इतनी सिरदर्दी करना कोई पसंद नहीं करता, पर मैंने सोचा कि मैं ये कोशिश करूँगा कि कभी हार नहीं होती। पैदल ही निकल जाते हैं वो लोग जिनके पास कार नहीं होती। तो भाई देखो, अगर मन में इच्छा है तो ज़रूर इस काम को आदमी करके रहेगा, अगर किसी चीज़ की इच्छा बना ले तो। यहाँ पे गोपाल जी के कुछ बर्तन थे, मैंने साफ़ किए थे, वो मैं रख के आई हूँ अंदर। और मैं सिमरी हूँ बेड के गद्दों के कवर, मेरी जो दो चादर है बेड शीट, जो मतलब ये दोनों फट रही है, तो मैं सोची कि इन दोनों को मतलब जॉइंट करके बेड के गद्दों के कवर बना लेती हूँ, यूज में आ जाएगी। एक जो एक जोड़ी कवर लगा रखे हैं बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं, फिर उतारने पड़ते हैं, फिर घालने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोची कि उनको नहीं निकालूंगी, उनके ऊपर से एक जोड़ी डाल दूंगी। जब भी ये गंदे होंगे इनको उतार दिया और धुल दिया, धूल भी कम जाएगी। उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी उतार रखूँगी। ये वाले आप देख रहे हो ना, इनको बड़े मुश्किल से कर लेते हो। दे देखो एडे टेडे कर रखे हैं बालकों ने, क्या हालत बना रखी है। चादर नहीं है ना बेड पे, क्योंकि बारिश हो रही है, बार बार बारिश में तीनों ही चादर गंदी हो रही है, सूखने नहीं पा रही। ये देखो मेरी चुन्नी भी ले गया, पता नहीं क्या बाहर रखने के लिए गया था। फिर मैंने बोला बेटा मेरी चुन्नी तो ले आओ, अभी मेरी चुन्नी ले के आया है बाहर से। अब देखता है ना, अगर कोई भी सामान फैला हुआ देखता है तो देखता है कि मम्मी इसको सिंगवाएगी या यहाँ से उठाया, तो उसको वहीं उसकी जगह पे रख आता है। अब तो बहुत चीज़ें करने लगा है, कह रहा हूँ बातें मानने लगा है, पर कभी जब बिरट जाता है फिर जल्दी से किसी की सुनता नहीं है, इतना ज़्यादा गुस्सा करता है बहुत। कह रहा है मम्मी मेरे को खेलना है, मुझे खिलौने दे दो खिलौने। देखो पीछे बेड पे आप देख रहे हो, थैला पड़ा हुआ उसमें थे, अब इसमें डालेगा। और इनके साथ में दोनों थैलों भी साथ में खेल रहा है, कभी इसमें रख लिया कभी इसमें, वही अलग रहता है। कुल मिला के अब घर से बाहर भी नहीं जाता, इतना परेशान नहीं करता। थोड़ा सा टाइम मुझे अपने आप के लिए भी मिल जाता है, अब जाए खेलता रहता है, इतना परेशान नहीं करता। और अभी मैंने यहाँ पे चौंक काटा, तो टीवी चल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज है ना मैं वो बना के देखती हूँ। मतलब हर बार मोल की संजी ले लेते हैं, इस बार बना के देखते हैं, कोशिश करके शायद अच्छी बन जाए। और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वीडियो में। भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसे गणपति जी बन गए शायद शेरा वाली भी ऐसे ही बन जाए। या मतलब कुल मिलाकर भाई हमें देवी बनानी है, जैसी हमसे बनेगी हम बना लेंगे। मैंने अब की बार मोल के नहीं ली, हाथ से कोशिश करके देखते हैं। चलिए फिर स्टार्टिंग दिखाते हैं। मिट्टी मैंने घोल के रख रही थी, पता क्या बोल रहे कि जितना हम मिट्टी को मतलब मसलेंगे, जितना इसको वो करेंगे हाथों से मसली जागे उतनी ही अच्छी होगी ये। और यहाँ पर अभी हमने छोटी सी चौकी जो है बना ली है, वो गोलाकार में बनाई है। और अभी करते हैं स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में क्या कुछ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कुछ नहीं पता, सिर्फ प्रैक्टिस। हमने यहाँ पर अभी है ना गोल चौकी बनाई है, तो देख रहे हैं इस पर जो भी जैसे बनाया जाएगा, अभी सिर्फ कोशिश जारी है। मतलब ट्राई करके देखते हैं कौन सी देवी की मूर्ति बनेगी, सादी बनेगी या शेर पे शेरा वाली बनाने की कोशिश है वैसे तो। पर कभी मैंने है ना शेर पे शेरा वाली मूर्ति, शेरा वाली माता की मूर्ति कभी नहीं बनाई, पर कोशिश करके देखती हूँ। सच में कहते हैं ना कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाता है, और शायद माता रानी बन जाए। भाई कोशिश जारी थी, तो शेर भी कभी नहीं बनाया इस तरीके से। और अभी यहाँ पर मैंने ना पैर लगा दिए हैं और ऊपर का हिस्सा शेर का, शेर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो भी होगा देखी जाएगी। फिलहाल इतना बन चुका है, और अभी इसको सारा जो इसके पैर वगैरह वो सब कुछ भी नहीं करा अभी, बस ऐसे इसको सपोर्ट दे के है ना सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें नहीं बन पाएगी सही तरीके से, अभी ये सेट नहीं हुआ। अब ये फ़िलहाल इसलिए रख देगी, अच्छे से सेट हो जाएगा, रात भर में मिट्टी सूख जाएगी, और सुबह फिर इसके पैर सेट करेंगे, इसका गला वगैरह, मतलब इसको अच्छे से सेटिंग करनी है। और यहाँ मैं और कायरव जो है ना खेल मन दीदी अभी मैं लिखो अभी मम्मी तो जग ए तो आप मेरे साथ खेलोगे? अरे चोला चोला ए वन ए वन टू टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन मम्मी से सिक्स फाइव सेवन एट नाइन टेन ये बार बार कपड़े सुखाना उतारना रखना, जब से बारिश हो रही है ना बहुत दिक्कत पड़ रही है, सही तरीके से कपड़े नहीं सूख पा रहे, बहुत परेशानी से मैं गुजर रही हूँ। कभी यहाँ सुखा, कभी वहाँ सुखा, कभी अंदर रख, कभी बाहर रख, ये सिस्टम चल रहा है। ये कुछ सूख गए थे, इनको अंदर रख रही हूँ। ये कवर बना रही थी, कायरव ने बाहर ला के गिर दी। चादर है, ये भी अंदर रखूँगी। इन कपड़ों को भी फ़िलहाल रख दूँगी, बाद में तय बनाऊँगी, अभी तो नहीं बना रही हूँ। और आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।